और अब वक्त हमारे खास पेशकश का, क्या अजमेर की दरगाह का भी ज्ञानवापी की तरह सर्वे कराया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मंदिर मस्जिद की बहस के बीच अजमेर की दरगाह को लेकर नया दावा किया गया है। एक संगठन ने 800 साल पुरानी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में मूर्तियां होने की बात कही है। दावा तो ये भी है कि इस दरगाह में कभी शिवालय हुआ करता था और इसी मांग के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है। क्या है सभी धर्मों की आस्था का केंद्र अजमेर की दरगाह पर किए गए दावे का सच, देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जिस दरगाह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बार चादर चढ़वाई, ख्वाजा के उस दरबार को लेकर छिड़ गया है विवाद। इंदिरा गांधी से लेकर केजरीवाल तक और अमिताभ से लेकर सचिन तेंदुलकर, जिसे हर कोई मानता है, उस दरगाह का मंदिर कनेक्शन बताया जा रहा है। जहां मुस्लिम से ज्यादा गैर मुस्लिम करते हैं सजदा, अजमेर के उस दरगाह को लेकर शुरू हो गई है नई बहस। जहां 800 सालों से मन्नत मांगने के लिए दुनिया भर से पहुंचते हैं लोग, गरीब नवाज की उस दरगाह को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल। ये महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राजवर्धन सिंह राठौर हैं। 25 मई को राजवर्धन सिंह राठौर ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह को लेकर नया दावा किया। इस पोस्ट में लिखा, अजमेर के दरगाह में भी लोचा है, दरवाजों पर स्वास्तिक का क्या काम है? इस्लाम में तो स्वास्तिक चिन्ह तो नापाक है। ये दरगाह पृथ्वीराज के द्वारा बनाए गए एक लिंग मंदिर को कब्जा करके बनाई गई है। महाराणा प्रताप सेना जल्द ही इस संबंध में कोर्ट में अर्जी देगी। इसके साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई, जिसके जरिए दावा किया गया कि दरगाह की दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह नजर आ रहा है। इतने सारे मुद्दे चल रहे हैं, इसी बीच ये अजमेर शरीफ का मुद्दा, ये कहां से आप गए हैं अजमेर शरीफ कभी? आपके दर्शकों को मेरा जय श्री राम, ना मैं कभी गया हूं और जब तक वो दरगाह रहेगी तब तक जाऊंगा भी नहीं। मैं वहां रुद्राभिषेक करने जाऊंगा बहुत जल्द। वहां भगवान शिव का मंदिर है और ये जो मैं चिन्ह बता रहा था, यह चिन्ह जो है वहां के एक खंडर जिसको मस्जिद कहा जाता है वो भी मंदिर है, इसकी भी सरकार जांच करे। और आज मेरे पास बहुत सारे अभिलेख आए हैं, ये मूर्तियां हैं, ये सारा सब कुछ लिखा है। किसकी रिपोर्ट है ये? हमारे सूत्रों की रिपोर्ट है और हम पूरा आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में जब खुदाई होगी तो वहां पर हमारे महादेव पाए जाएंगे, वहां पे शिवलिंग पाया जाएगा। राजवर्धन सिंह परमार ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी भी लिखी। इस चिट्ठी के जरिए अजमेर के दरबार का ASI से सर्वे कराने की मांग की गई और दावा किया गया है कि सर्वे में यहाँ हिंदू मंदिर होने के सबूत मिल सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मंदिर की जगह पर बनाई गई है अजमेर की दरगाह? क्या दरगाह की इस जगह का 12वीं शताब्दी के पृथ्वीराज चौहान से कनेक्शन है? और स्वास्तिक के ये चिन्ह क्या अजमेर की दरगाह की ही हैं? मोइन खुतवा खाना साखी दरवाजा दरगाह शरीफ अजमेर, वहाँ का पेपर है, तारीख है 10 अक्टूबर 1998। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है पेज नंबर 26 पर ऊपर से चौथा पैराग्राफ इस प्रकार है, साधु का घर, साधु का या घर जिस घर में खाजा की दरगाह का काम किया गया उसी मकान पर था जिस जगह दरगाह शरीफ की इमारतें हैं, उस घर के करीब साधु के मायने हुए मंदिर भी हैं। चुनावे बाज के दरगाह शरीफ की जमीन के नीचे उन मंदिरों के निशान अभी भी दबे हुए और फर्श के पत्थर हटाने के बाद नजर आएंगे। चूंकि पृथ्वीराज चौहान जिस साम्राज्य के राजा थे उसमें अजमेर भी आता था और अजमेर में ही उनका निधन हुआ, इसलिए यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। न्यूज 24 की टीम ने इसे जानने समझने के लिए अजमेर का रुख किया। हमारी मुलाकात अंजुमन सैयद जातगान कमेटी के अध्यक्ष सैयद मोइन हुसैन से हुई। उन्होंने दरगाह पर किए गए दावे को लेकर क्या कहा,
वो भी सुनिए। ख्वाजा साहब की दरगाह है इस वक्त, उसके चारों तरफ हमारे बुजुर्ग रहा करते थे और यहीं पर इसी मिट्टी में दफन होते थे। तो जितना भी स्ट्रक्चर है ख्वाजा साहब के दरबार में, जितनी भी तामीर हुई है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वो हमारे बुजुर्गों की हड्डियों के ऊपर नींव रखी गई है ख्वाजा साहब के दरबार में। इसलिए हम इसको सिरे से खारिज करते हैं कि यहाँ पर ऐसी किसी किस्म की कोई बात है, सवाल ही नहीं उठता है। अजमेर की इस दरगाह पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। ये जायरीन न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू, सिख और ईसाई धर्म भी होते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी ख्वाजा के इस दरबार में पहुँचते हैं जायरीन। वो दुनिया के गम से कोई भी रिश्ता नहीं रहता, बेशक किसी भी बात का सदमा नहीं रहता। लंगर वाली के नाम का बटता है रात जी, बस्ती में तेरी कोई भी भूखा नहीं रहता। अनुमान के मुताबिक 20 से 22 हजार जायरीन आम दिनों में अजमेर आते हैं और सालाना 18 से 20 लाख श्रद्धालु ख्वाजा के दरबार के दर्शन करते हैं। दावा यह भी है कि दरगाह में आने वाले गैर मुस्लिमों की संख्या लगभग 60% से ज्यादा होती है। हाजी सैयद मोइन हुसैन कहते हैं कि दरगाह पर मंदिर के निशान बताकर इन सब लोगों की आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां पर ख्वाजा साहब के दरबार में तब से लेकर के आज तक लोगों, ये जो सवाल उन्होंने ख्वाजा साहब के दरबार पे उठाया है ना कि इस तरह का कोई निशान है या स्वास्तिक है, ये ख्वाजा साहब के दरबार पे उंगली नहीं उठाई है, बल्कि उन करोड़ों लोगों के ऊपर जिनकी आस्था, जिनकी श्रद्धा गरीब नवाज के दरबार से है, ये उनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। आम हो या खास, अजमेर के इस दरगाह पर हर कोई पैदल चलकर पहुंचता है। मान्यता है कि ख्वाजा के दरगाह पर मांगी गई हर दुआ कबूल होती है। मन्नत की अर्जियां धागे के साथ दरवाजे के बाहर इस उम्मीद से बांधी जाती हैं कि ख्वाजा के दरबार से झोली खाली नहीं लौटे। हालांकि जिस दिन से महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर दरगाह का सर्वे कराने की मांग की है, उसके बाद से यहां सुरक्षा कड़ी हो गई है। यह है अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। सूफी संत जिनकी सभी धर्मों के प्रति आस्था थी, और यही कारण है कि आज भी सभी धर्मों के लोग यहाँ पर जियारत करने आते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। इस तरह से यहाँ पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है, मन्नत मांगी जाती है। कहते हैं कि सूफी संत सभी की मन्नत को पूरा करते हैं, लेकिन जिस तरह से नया विवाद सामने आया है उसके बाद कई सवाल भी उठने लगे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि जिस तरह की बातें कही जा रही है उस पर कोई भी भरोसा तक नहीं करना चाहता। अलबत्ता इतना जरूर हो गया कि लोगों की आस्थाएं इस तरह की बातों से जुड़ी होती है, तो ऐसे में कल तक इस मुख्य प्रवेश द्वार से सभी को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। अब मोबाइल फोन कैमरे यहां पर ले जाने नहीं दिया जा रहा है। खुफिया विभाग अलर्ट है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह यहां पर अलर्ट है, लेकिन जो यहां पर भक्त आते हैं, जो जायरीन आते हैं, जो इस दरगाह या सूफी संत में विश्वास करके लोग आते हैं, उन्हें इस पूरे विवाद से मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वे तो इतना चाहते हैं कि ख्वाजा जी उनकी मन्नत को पूरा करें, और यही कारण है कि इस तरह की चादर को लेकर ये लोग अपनी मन्नत मांगने जाते हैं। अजमेर के दरगाह को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच हम दरगाह के दीवान की बेटी और अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन चिश्ती से भी मिले। नसरुद्दीन चिश्ती ने दरगाह में ऐसे किसी भी स्वास्तिक का चिन्ह होने और पहले मंदिर होने के दावे का खंडन किया। वो स्वास्तिक जैसा जो फोटो था वो दरगाह परिसर में कहीं भी नहीं है। दरगाह में ऐसा चिन्ह आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस दरगाह में तो रूहानियत ही मिलेगी आप जब जाके देखेंगे तो, और आपको इतना सुकून मिलेगा चाहे आप किसी भी मजहब के हो, आपका मन करेगा आप बार बार उस दरगाह में आके बैठे। तो ये एक पैगाम सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो माहौल खराब करना चाहते हैं इस मुल्क का, ये जिन लोगों ने ऐसे ट्वीट करा एप्लीकेशन, उनको हम बता दें गरीब नवाज की बारगाह इस मुल्क का माहौल खराब नहीं होने देगी। हम लोग कमिटेड हैं इस मुल्क में अमन अमान के लिए, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम के लिए। आप कोशिश लाख कर लो, हम आपको कहीं कामयाब नहीं होने देंगे। अजमेर दरगाह के उत्तराधिकारी ने इस विवाद को बेवजह तोल न देने की अपील की और इसके जरिए अपनी ड्रेस का जिक्र किया। आप तो दीवान साहब के बेटे हैं, ख्वाजा साहब की खिदमत सालों से करते आए हैं, भगवा कलर पहना है, बावजूद इस तरह के माहौल, इस तरह के आरोप पूरे दरगाह पे लग रहे हैं सर। देखिए अभी आपने मेरी पूरी एक्चुअल ड्रेस नहीं देखी है, वो देखेंगे तो कम्प्लीट ही भगवा है।
हिंदुस्तान में जब गरीब नवाज आए तो हिंदुस्तान में गरीब नवाज राजा ये बादशाहों की तरह मुगलों की तरह राज करने नहीं आए थे, यहाँ के लोगों का दिल जीतने आए थे, यहाँ पर मोहब्बत और अमन का पैगाम देने आए थे, जिसमें वो कामयाब हुए। वही मिसाल आप आज भी देख सकते हैं, 800 सालों से इस बारगाह में तमाम मज़हब के लोग आते हैं और उसी तरीके से दर्शन करते हैं जैसे कि आम मुसलमान करता है। यहाँ किसी किस्म का भेदभाव नहीं है और ना ही जो क्लेम किया जा रहा है कोई फोटो को लेकर के, वो फोटो वायरल किया, वो फोटो कम्प्लीटली फेक फोटो है, बिना किसी आधार के वो फोटो वायरल किया गया है और जो जिसने भी करा है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए करा है। कभी सोचा था सर 900 साल, करीब 800-900 साल पुरानी ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर इस तरह की बातें भी सामने आएगी? क्योंकि खुद ख्वाजा साहब ने कभी भेद नहीं किया था किसी में, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए ऐसा है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों का भी ये क्लेम है उनके जहनों में जहर है और फितना वहाँ से है, यहाँ से नहीं है। यहाँ तो सिर्फ अमन अमन है, मोहब्बत मोहब्बत है, प्यार प्यार है और सुकून है, रूहानियत है। तो ये कुछ लोग चाहते हैं कि जो जिसके लिए हमारा ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है, यकजहती, मोहब्बत, इख्वत, उसको शायद वो किसी तरह से निशान लगाना चाहते हैं, उस पर जर लगाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सच है और कौन गलत, दरगाह कमेटी का दावा सही है या फिर महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष का? इन सवालों का जवाब तलाशते तलाशते हमारी टीम 2.5 दिन का झोपड़ा पहुंची। यह अजमेर की ख्वाजा दरगाह से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की खिड़कियों पर हमें स्वास्तिक के निशान दिखाई दिए। जानकारी दी गई कि इस जगह का अजमेर के मुख्य दरगाह से कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि यहाँ कभी मंदिर था या नहीं, ये कैमरे पर किसी ने नहीं बताया। अब दो तस्वीर एक साथ देखिए। पहली तस्वीर वो है जिसे महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष ने फेसबुक पर अपलोड किया और दूसरी तस्वीर अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा की है। दावा किया जाता है कि इसे बनाने में 60 घंटे यानी 2.5 दिन का वक्त लगा था और इस मस्जिद में आयोजित होने वाला उर्स 2.5 दिन का होता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अफगान सेनापति मोहम्मद गौरी ने 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में बनवाया था। अब यही विवाद अजमेर ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इसे लेकर अजमेर के लोग क्या सोचते हैं, ये भी हमने जाना। आपने भी सुना होगा कि अजमेर की दरगाह में स्वास्तिक के निशान, इस तरह की बात सामने आई है। आप अजमेर में कितने साल से रह रहे हैं और क्या आपने इससे पहले कभी इस तरह की कोई बात सुनी थी? मैं अजमेर के अंदर जन्म से ही रह रहा हूँ। न तो मैंने कभी दरगाह के अंदर स्वास्तिक के चिन्ह देखे है, न कोई इस तरह की कोई बातें सुनी है कि मंदिर था। हम तो जब से पैदा हुए तब से ही गरीब नवाज, सूफी संघ, ख्वाजा गरीब नवाज और तीर्थराज पुष्कर नगरी को ही समझते हैं और जानते हैं। ये जो बकबकास हो रही है, ये देश के अंदर एक धर्म युद्ध ऐसा होगा कि कत्लेआम हो जाएगा, जो 1947 का अंदर हुआ था। आपने कभी कुछ इस तरह की बात सुनी है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा जैसे फोकट के अफवाह है। ये क्या है कि ये जो सिस्टम चल रहा है ना, उस सिस्टम को देख के अफवाह उड़ाई गई है और ये अफवाह उड़ाने वाले को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे क्या ये सांप्रदायिक एकता, जिंदगी की जो गंगा जमुना सरस्वती है पुष्कर अजमेर की, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्योंकि अंग्रेज लोग तो मानते ब्रह्मा जी को और बाकी लोग मानते, पूरे देश वाले मानते हैं गरीब नवाज को, या वो कोई हिंदू मुसलमान सब 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 भक्ति दादा। ये सामुदायिक सद्भावना की एकता का सबसे बड़ा, इस देश में सबसे बड़ा स्थान है। इसको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एक चीज़ और बताइए ना, सब आप भी अजमेर के रहने वाले हैं, पहले तो बताइए। जी बिल्कुल, बचपन से जो कुछ सबूत भी तो सामने बता रहा है कि एक फोटो दिखा रहा है जिसमें स्वास्तिक बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि है तो जांच हो जाए, क्या फर्क पड़ता? नहीं है तो जो सही है वो सामने आएगी। आज जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं उसमें पूरे देश में यही माहौल चल रहा है कि मस्जिदों के अंदर, ताजमहल के अंदर या दरगाहों के अंदर मंदिर है, मस्जिद है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि हमारी बेरोजगारी को लेकर क्यों बात नहीं होती, हमारी महंगाई को लेकर क्यों बात नहीं होती, पेट्रोल डीजल की जो लूट हो रही है उस पर क्यों बात नहीं होती? कब तक धर्म की आड़ की राजनीति ये लोग करते रहेंगे? क्यों भाईचारे को खत्म करने पे तुल रहे हैं? कोई सबूत सामने आया तो क्या आपको लगता है भाई साहब? एक चीज में एक सीधा सवाल आपसे, सीधा पहले नहीं था जो ऐसा 50 साल 70 साल क्या करा इन्होंने, ये तो देश में लड़वाड़े का काम और कुछ नहीं है, फालतू की बात है ये। जो चीजें सामने आ रही है जांच हो जाए, क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री जी को? आपको सही जांच होनी चाहिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं ताकि मामला खत्म हो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है आपके अजमेर में? हो रहा जो तो हो रहा, अब क्या कहूं अभी, चल सही हो रहा है? नहीं सर गलत है, ये तो राजनीति है सर।
जैसे इलेक्शनों के टाइम आते ये राजनीतिक चालू हो जाती है। अजमेर की दरगाह आपसी प्रेम का दरबार माना जाता है। यहाँ जो भी आता है वो अकीदत के फूल पेश करता है। हालांकि दरगाह में मंदिर होने या दीवार पर स्वास्तिक का चिन्ह होने का जो दावा किया जा रहा है उसने कुछ वक्त के लिए ही सही दरगाह परिसर के बाहर पहरा बढ़वा दिया है। अजमेर से केजी श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।